नमस्कार, पितृपक्ष स्पेशल में आपका स्वागत है। तो आज है हमारी तीसरी कहानी, और ये कहानी है एक मेरे दोस्त की और उनके परिवार की। तो इनका एक ही बेटा है जिसका नाम है बिट्टू। तो बिट्टू बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वैसे तो, और पढ़ाई में भी नंबर 1 है। और इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इनका। तो एक और ये सबसे ज़्यादा बिट्टू जो है अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता था जब ये छोटा बच्चा होता था। पर इनकी ग्रैंड मदर का प्यार इनको ज़्यादा टाइम तक मिल नहीं पाया। किसी कारण वो इस दुनिया में नहीं रही। खैर, बिट्टू बड़ा होता गया, मेमोरीज फेड होती गई, वो भूलता गया। तो एक दिन अचानक उनकी गवर्नेस फोन करती है मेरे फ्रेंड अजय को कि भाई आज बिट्टू घर वापस नहीं आया है स्कूल से, तो 1 घंटा हो गया है। तो मैं देख कर भी आई हूँ स्कूल में, वो वहाँ पर है नहीं। तो ये अजय काफ़ी पैनिक कर जाते हैं, अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं। तो वाइफ बोलती हैं कि भाई मैं तो अभी दिल्ली से बाहर हूँ और मैं वापस आने की कोशिश करती हूँ, पर आप पुलिस में फोन करिए और ढूंढिए कहाँ गया। तो ये परेशान हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, पुलिस में फोन करते हैं। और पता लगता है कि जो बिट्टू है वो अभी मिल नहीं रहा है। तो इनको पुलिस कहती है कि आप यहाँ वहाँ मत ढूंढिए, अपने फोन का ध्यान रखिए, हो सकता है फिरौती के लिए फोन आए, किडनैप हो गया हो बच्चा। तो ये अपने आप में दुखी थे। इनकी वाइफ बार बार फोन कर रही थी, मिला नहीं मिला, वो भी वापस आने की कोशिश कर रही थी। खैर, गवर्नेस भी परेशान थी, वो अपने तरीके से ढूंढ रही थी, अपने दोस्तों को सबको फोन कर लिया, वहाँ नहीं पहुँचा, प्रिंसिपल को फोन कर लिया कि बस में चढ़ा कि नहीं चढ़ा। वो कहते हैं बस में बिल्कुल चढ़ा है और अपने स्टॉप पे ही उतरा है। तो फिर गवर्नेस की भी डांट पड़ी कि स्टॉप पे लेट क्यों पहुंची, टाइम पे क्यों नहीं पहुंची। खैर, बहुत सारी बातें हो गई। तो अचानक बिट्टू शाम को मिल जाता है, पुलिस उसको पकड़ के लेके आती है। तब तक उसकी मदर भी आ जाती है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत रोए हुए होते हैं, परेशान थे। तो इन्होंने बिट्टू को बोला, भाई तुम कहाँ चले गए थे और तुमको कितनी बार बोला है कि अजनबियों से बात नहीं करनी है, सीधा घर आना है, जब बस से उतरो तो तुम ऐसे कैसे चले गए, कहाँ गए थे तुम? तो पुलिस ने बताया कि इस बच्चे को, छोटे बच्चे को, बिट्टू को एक लेडी पुलिस स्टेशन छोड़ के गई जो अपना नाम बता कर नहीं गई। और जब उन पुलिस ने ज़्यादा फोर्स किया कि आप अपना नाम बताओ, तो उन्होंने परी नाम बताया और चली गई। खैर, बिट्टू से जब पूछताछ हुई तो बिट्टू ने कहा कि मैं बहुत डर गया था। क्यों डर गए थे? कहते ये पहली दफा हुआ कि मुझे सी ग्रेड मिला है, और अगर मैं आप दोनों को बताता तो आपकी जो मुझे डांटते भी और शर्म से नजरें झुक जाती, और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ आपके साथ हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चला ही जाऊं, और मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा। तो मैं जंगल की तरफ जब निकल पड़ा तो मुझे चलते चलते अचानक नींद आ गई और मैं सो गया। तो मैं सो गया तो मैंने सामने देखा कि मेरे दादी माँ बैठी हुई हैं। तो दादी माँ मेरी तरफ देख रही थी और बार बार मुझे ये कह रही थी कि तू घर जा। तो मैं डर गया कि दादी माँ कैसे आ गई, और मैं बाहर रोड की तरफ भागा। जब मैं भागा तो मुझे एक लेडी ने कार रोकी और बोला कि बेटा ऐसे नहीं घूमते, आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, यहाँ पे कोई जंगली जानवर आपको पकड़ ले तो आप अपने घर जाओ। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो लेडी आगे चली गई। चली गई तो मैं उस वक्त डरा हुआ था कि मैंने अभी दादी माँ को देखा है, क्या दादी माँ मेरे पीछे आ रही हैं या क्या है। तो मैं इधर उधर देख ही रहा था, तो मैं देखता हूँ कि वो लेडी वापस आई, घर वापस आई, और उन्होंने कहा कि बैठो गाड़ी में बैठो। तो वो गाड़ी में उन्होंने बिठाया और वो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ के चली गई। और कहते हैं कि पर मैंने तुम्हें कहा था कि कभी किसी अनजान की गाड़ी में नहीं बैठना, तो तुम क्यों बैठे?
तो उन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छी आंटी लग रही थी, और वो आंटी ने मुझे चॉकलेट भी दी खाने के लिए, और मुझे ये भी कहा कि दोबारा बाहर अकेले मत निकलना, अभी तो तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ थी। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा कि मेरी दादी मेरे साथ है। और जब मैं उतरा तो उन्होंने पीछे का दरवाज़ा भी खोला, और वो मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो किसे छोड़ गई हैं। तो जगह छोटी है इसलिए लेडी का पता लगाना भी बड़ा आसान था, मुश्किल नहीं था कि कौन थी। तो माँ बाप दोनों थैंक यू करने के लिए उनको गए कि भाई आपने इस बच्चे को बचाया। तो कहती है मैंने बचाया, मैंने तो नहीं बचाया, मैंने तो सिर्फ मदद करी उनकी बूढ़ी औरत की। बूढ़ी औरत? कौन सी बूढ़ी औरत? तो कहती है कि जब ये बच्चा हड़बड़ाया अकेला बाहर आया तो मैंने इसको बोला कि अकेले आप इधर उधर मत घूमो, पर मैं थोड़ी आगे गई तो एक बूढ़ी औरत थी, उनका कि वो मेरा पोता है और आप हमारी प्लीज मदद कर दीजिए, हमें पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे को भी अपना एड्रेस याद नहीं है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं। तो मैंने सिर्फ इन दोनों को पुलिस स्टेशन तक छोड़ा और मैं आ गई। तो उनका ये कैसे हो सकता है? तो बेटे ने, जो अजय हैं, उन्होंने फटाफट अपना पर्स अपना वॉलेट निकाला और फोटो दिखाई अपनी मदर की कि क्या ये थी? कहती हाँ बिल्कुल यही थी। तो वो दोनों बड़े हैरान हो गए, और ये भी समझा उन्होंने कि कहीं ना कहीं ये पोता और दादी का प्यार और बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो अभी भी उसको देख रही हैं और उसकी मदद कर रही हैं और एक उनकी गार्डियन एंजल बन के उसके साथ हैं। और आज उनका बेटा सही सलामत उनको जो वापस मिला, कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी हो सकते हैं रास्ते में, आपको पता है आजकल की दुनिया कैसी है कि कोई किसी का भी बच्चा उठा के भाग जाता है, वहां पे उन्होंने अपने पोते की रक्षा करी, और रक्षा ही नहीं करी, उस लेडी से मदद मांगी और उस लेडी को वो नजर भी आई, और बच्चे को गाड़ी में बैठ के कोई भी नजर नहीं आया उसके पीछे, जबकि बच्चा जब नींद से उठा तो उसने सामने दादी को देखा और वो हड़बड़ा के भागा था बाहर। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी बातें भी होती हैं। दुनिया है, यहाँ सब कुछ होता है। हमारे पूर्वज भी हम पर निगाह रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, और ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कभी टूटता नहीं। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। नमस्कार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा चैनल, और कल मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।